सर, आपने अभी प्रचार करवा रखा है कि जो प्रधानमंत्री का योजना है उससे मेडिकल की जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है उसमें भी आपके तमाम इलाज कर रहे हैं, तो कौन कौन से आप वो? देखिए, हम तो कहते हैं कि जैसे अगर आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर कामयाबी हेल्थ में हाँ, कहा जाए तो आयुष्मान मान योजना है। योजना है, नो डाउट। बहुत अच्छी है और आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोग इस समय कितने ऐसे मरीजों को कि जो कि मरीज जो कि पैसे से अभाव में हार्ट अटैक है, और आप हमको ये बताते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा 1 मार्च से शुरू हो जाएगी और आयुष्मान के मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जो जाँच जो आपको 50,000 से 1 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है और मरीजों को बार बार किसी को अटैक पड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को पेट में पानी आ जा रहा है, तो ये मैं सबसे बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जितने लोग कार्ड धारक हैं वो बहुत से लोग कार्ड रखे रहते हैं और लोग प्राइवेट अस्पताल में उनको लगता है कि यहाँ आएंगे तो मुझे पैसा लग जाएगा, मैं मैं यूज इसे नहीं करते यूज़ उनको। नहीं करते, उनको डर लगता है कि भाई अस्पताल में जाएंगे। मैं अपने माध्यम से और सबके माध्यम से आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप लेके आए, आपका निःशुल्क 1 रुपया भी किसी को कहीं नहीं लगेगा, चाहे ऑपरेशन की जरूरत हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन का ऑपरेशन हो, चाहे घुटने का ऑपरेशन हो, सब कुछ आपको निःशुल्क अच्छा, किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से एक पैकेज तय होता होगा कि इसी में होना है हाँ, सरकार देखिए वो। एक देखिए हाँ, सरकार एक मिनिमम पैसा देती देती है है। गरीब मरीजों के लिए, और हमको ये बात की खुशी है कि उस मिनिमम पैसे में अगर हमारा जो दवा का खर्च और इसका खर्च निकल जाता है तो एक बाकी गरीब, सेवार था हाँ आपका। हाँ गरीब हाँ मरीज के भाई, हम तमाम मरीज जो पैसा हाँ दे सकते हैं वो तो हमारे यहाँ ही रहे हाँ हैं, साथ साथ ऐसे मरीज हैं जो आयुष्मान के हैं, और हमारा एक ऐसा अस्पताल है जहाँ की हम खाना भी उसको निःशुल्क देते हैं। बाकी और कहीं आप देखेंगे कि किसी के यहाँ जो आपके डाइटरी सिस्टम है वो नहीं है, हमारे यहाँ पूरा कैंटीन है, जैसे डाइटिशियन, डाइटिशियन नहीं है, पूरा कैंटीन में हमारे यहाँ 5 टाइम का उसको खाना भी निःशुल्क मिलता है बिना पैसे का, तो ये एक एक्स्ट्रा सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है डेली हमारे यहाँ 3-4 ऑपरेशन होने हैं, डेली हम 4-5 मरीजों को भर्ती करें और तो अस्पताल। अब तो आपके जैसे आप थे, आपकी जी धर्मपत्नी जी थी डॉक्टर एकिया जी, अब डॉक्टर सुजीत सिंह थे, डॉक्टर मधुलिका जी थे, डॉक्टर राहुल जी थे, अब कौन कौन से आपके यहाँ बढ़ गए अभी लोग? देखिए जनरल सर्जरी में डॉक्टर राहुल गुप्ता अभी BHU के जनरल सर्जन है, हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उससे जनरल सर्जरी में हम लोग तमाम आयुष्मान के मरीजों का और ऐसे कर रहे हैं। पहले और भी सर्जन हमारे आते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, लेकिन ये 24 आवर इन हाउस है, रात में भी जरूरत पड़े हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन में डॉक्टर रेहान है, MD पीडियाट्रिशियन KGMC के, डॉक्टर रुपेश जो न्यूरो सर्जरी के हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन उन्होंने किया है अभी न्यूरो सर्जरी में। तो ऐसे अब मेडिकल विभाग में, और अभी कैथ लैब हमारे यहाँ शुरू हो गया जिसमें कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होगी, एक अभी मशीन आ गई है उसको मेंटेनेंस अच्छा, चल रहा एंजियोग्राफी है, भी शुरू हो जाएगी। एंजियोग्राफी भी शुरू हो जाएगी, तो 1 मार्च से आपको उसका भी डॉक्टर ज्वाइन कर जाएगा, DM कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको आयुष्मान के मरीजों चाहे नॉर्मल मरीजों, और हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाया है कि जो सबसे लोएस्ट रेट होगा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का हिंदुस्तान का, उसका रखा जाएगा कि आम आदमी को भी कम पैसे में हो, और जो आयुष्मान का होगा तो उसका तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इवन आयुष्मान के चार्ज से भी कम चार्ज में किया जाएगा। आगे जैसे कंप्लीट हॉस्पिटल शारदानंद तो है ही, जी आगे आने वाले दिनों में आपके कौन कौन से विशेषज्ञ डॉक्टर को लाने की यहाँ पे आपको उम्मीद है? अब देखिए, काफ़ी काफ़ी डॉक्टर तो हमारे पास आए, अभी हम लोग गैस्ट्रो के डॉक्टर सोच रहे हैं, DM गैस्ट्रो से भी बात चल रही है हमारी वो आने के लिए, ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर हमारे ऑन्को सर्जन आ रहे हैं जो हफ्ते में एक दिन आ ये रहे हैं, जी ऑन्को सर्जन ऑन्को के? अच्छा, एक जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हाँ जिसको हाँ हम कहते हाँ हैं, तो कैंसर के डॉक्टर आ रहे हैं, और कैंसर के क्योंकि हम लोग शुरू से कैंसर में देखा है कि बहुत से मरीजों की जान कैंसर की वजह से हो रही है, बहुत से अभी भी हमारे ICU में आपसे जो चर्चा कर रहे थे एक पीड़ित मरीज है कैंसर का, तो तो एक कैंसर तो आप बलिया भी हाँ संचालित कर रहे हैं हाँ उसको? बलिया में हम लोग कैंसर का जो जननायक चंद्रशेखर अस्पताल है वो तो कैंसर के लिए पूरा समर्पित है, उसके अलावा भी उसमें सारे डिपार्टमेंट भी रहे हैं, मतलब कैंसर को डेडिकेट है डेडिकेटेड वहाँ। है, लेकिन यहाँ भी जो मरीज जैसे कोई टर्मिनल स्टेज में है, कोई ऐसी अवस्था में है, तो उसको कैंसर का यहाँ भी हम लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन सब मिला के हम लोग मेडिकल में सारी जो भी कोई चीज, जैसे IVF का आप देख रहे हैं कि हमारा इंदिरा IVF से टाई अप करके IVF का भी जो बच्चे नहीं है उनके बच्चे देना, और सारा डिपार्टमेंट हमें लगा हो गया, ऑन कॉल यूरोलॉजी के भी डॉक्टर हमारे ऑन कॉल हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर हम चाह रहे हैं कि 24 आवर आ जाए, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो 24 घंटा रहेंगे तो हम और अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। अभी फिलहाल में आपके पास कहाँ कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? अब देखिए, पेशेंट तो हमारे पास आप सुदूर बलिया से लेके बिहार के बॉर्डर तक, बिहार से भी कई से पेशेंट आते हैं, कई मरीज यहाँ अंबेडकर नगर, आजमगढ़,
इधर सैदपुर तक के पेशेंट आते हैं, इधर बहलगंज के, क्योंकि एक शारदा नारायण ने एक ऐसा अपना एक मुकाम हासिल किया कि जो जो अभी दो पेशेंट आज आज BHU से रिटर्न होकर आए, हमें पास एक फोन आया कि डॉक्टर साहब BHU में नहीं लिया जा रहा, इनकी किडनी खराब है और लाए, और परसों एक मरीज हमने ICU में जो BHU से रिटर्न है। तो अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो मरीज बनारस में जाते हैं और उनको अगर सुविधा नहीं मिलती है तो वो मरीज भी अपने यहाँ आके उनका इलाज करा रहे हैं। तो हम लोग के लिए बड़ी गौरव की बात है कि अगर मऊ जैसे शहर में हम अगर बनारस का मरीज या लखनऊ से जो मरीज जिसको लोग वापस कर दे रहे हैं कि नहीं बहुत मरीज सीरियस है आप ले जाइए, उसका इलाज करके अगर उसकी जान बचा देते हैं या उसको अच्छा इलाज दे दे रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में, जो एक लिमिटेड प्राइस में जो कि इलाज दिया जा रहा है, जो बनारस में अगर कराते तो शायद बहुत महंगा होता, इसलिए ही मरीज वापस आता है। और तो हम लोग के लिए बड़ी गौरव की बात है, मऊ शहर के लिए भी बड़ी गौरव। ये सफर जो शुरू हुआ था कितने साल हो गए? ये 18 साल का सफर शुरू हुआ और आप सब लोग सहभागी रहे हैं इस सफर में और अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में शारदा नारायण कुछ और बड़ा करने वाला है, जो कि हेल्थ के सेक्टर में और भी हम लोग कुछ बड़े धमाका करने वाले हाँ हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हेल्थ फॉर ऑल जो हमारी अब स्कीम है, जैसे आयुष्मान से करके जब काम शुरू किया और जब चंद्रशेखर जननायक अस्पताल की शुरुआत की, और इसके लिए मैं अपने चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर साहब को और हमारे मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी को और बलिया के हमारे सांसद जी और पप्पू भैया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबके सहयोग से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बलिया क्षेत्र में कोई भी पूर्वांचल में गरीब मरीज जो है इलाज के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा, और पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप आइए इलाज कराइए और आप जाइए घर जाइए, डॉक्टर घर जाके आपका इलाज करेगा, अगर बीमार हो तो हमारी एम्बुलेंस जाके घर पे जाती है और घर से अगर ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो अस्पताल ले आके, मतलब जो सपना दिल्ली में सोचा था वो पूरा हो रहा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि अपने लोगों के बीच में अपने जिस मिट्टी में पला बढ़ा उस मिट्टी की अगर आप सेवा दे रहे हैं और उस मिट्टी में कुछ करने को मिल रहा, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और तब आप लोग का साथ सफर कटा और अच्छा लगता है, और आने वाले समय में जरूर अब हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि मुझे लगता है कि और भी कुछ क्षेत्र में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिसे अभी जिसे कहा जाता है, अभी हमारी दिल्ली में भी और लखनऊ में भी चर्चा हुई कि जो पूर्वांचल है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से बलिया में हम लोग ने शुरू किया, मऊ में हम लोग ने काफ़ी स्वास्थ्य को डेवलप किया है, और देख के और भी लोग साथ में डेवलप कर रहे हैं, आने वाले समय में बलिया और जो सुदूर क्षेत्र बिहार का भी जो बॉर्डर होगा, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ नहीं रहेगा, यही सबसे बड़ी खुशी होगी। चलिए, ये थे डॉक्टर संजय सिंह, शारदा नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में उनको दिक्कत नहीं होगी और उससे भरपूर चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।